थाना क्वारसी पुलिस तथा एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से गुरुवार को तालानगरी इंडस्ट्रियल एरिया में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। सीओ तृतीय अनिल समानिया ने बताया कि नकली शराब बनाने की यह फैक्ट्री पिछले 4 महीने से संचालित की जा रही थी। मौके पर से शराब की बोतल, किलोग्राम आदि बरामद हुए हैं। लॉकडाउन के चलते नकली शराब को महंगे दामों में बेचते थे। लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पूर्णतः बंद है। ऐसे में हमारे एसओजी सर्विलांस और प्रभारी निरीक्षक क्वारसी छोटेलाल, इन लोगों ने अपना खुफिया तंत्र लगा रखा था। आज इन्हें सूचना प्राप्त हुई तो इन्होंने कुलदीप विहार में प्रदीप और पंकज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जहां पर नकली शराब बनाने का उपकरण और भारी मात्रा में वहां बनी अधबनी शराब की बोतलें बरामद हुई। जब उनसे थाने पर सख्ती से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि हमारी तालानगरी सेक्टर 1 में बड़ी फैक्ट्री है, जहां पर शराब तैयार करते हैं, और वहां पर लाकर जब यहां पर दबिश दी गई, तलाशी ली गई, तो सेक्टर 1 में ये मालिक अर्जुन ठाकुर हैं, इनकी आटा चक्की चल रही थी बराबर में, उसी के पास ये लोग श्याम और सुशील, ये 2 लोग शराब बनाते मिले। इनके कब्जे से RC मैकडबल RS IV ये बोतलें मिली और रैपर मिले। भारी मात्रा में बनी हुई शराब बरामद हुई है। लगभग 175 लीटर जो बड़ी टंकी होती है पानी की, उसमें आधा शराब बनी हुई भरी हुई है, और इनको आज गिरफ्तार किया गया है। और ये जानकारी भी मिली है कि धर्मेंद्र यादव, जिसके ठेके हैं कहीं यहाँ जनपद अलीगढ़ में, ये शराब बनाकर नकली उसको सप्लाई करते थे। इसकी पूरी गहनता से जांच की जा रही है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी के अभी विवेचना जारी है। इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं, 2 एक्टिवा हैं, और लगभग 150 लीटर लगभग कच्ची शराब तैयार है। कुछ बोतलें भी तैयार हैं, भरी हुई हैं नकली, और शराब की खाली बोतलें, रैपर, भारी मात्रा में स्प्रिट। 1500-1600 रुपये की बोतल बेचते थे, चूँकि इस समय लॉकडाउन है और बोतलों शराब मिलने रही।